मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हम वचन में जाते हैं, उससे पहले मुझे एक चीज मालूम है कि सफर आप सबके जीवन में प्रभु कहीं ना कहीं शुरू कर रहा है। हालेलुया। हमारी सबकी जिंदगी में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हमें आगे जाना है, और उससे आगे जाने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर देगा। हालेलुया। और आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी दिशा को आपके सामने साफ करें, ताकि हम उस दिशा की तरफ बढ़ते जाएं। 2001 में मैंने प्रभु को स्वीकार किया, उससे एक साल पहले जद्दोजहद रीना के साथ मेरी चली। धर्म बन जाता है अगर हम उसको धर्म के तरीके से जिएं, लेकिन रिश्ता बनता है अगर हम मसीह से प्यार करें। हालेलुया। धर्म है, क्रिश्चियनिटी भी धर्म बन के फैला हुआ है, लेकिन उसमें से हमें मजहब को हटा के मसीह को निकालना है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पहला योहन्ना 2:16 हम सब निकालेंगे। पहला योहन्ना 2:16 हम सब जानते हैं ये वचन। 1 John 2:16 For all that is in the world and desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father but from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। हालेलुया। बोलो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। पिता की ओर से नहीं है तो किसकी ओर से है? दुनिया की ओर से है। और इस दुनिया का राजा कौन है? शैतान है। हालेलुया। कौन है प्रिंस इस दुनिया का? शैतान है, जिसने दुनिया के ईश्वर में, जिसने संसार के लोगों की आंखों को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। हालेलुया। कभी कभी हमें सब कुछ मिलता है। मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया। सारे माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। एक लड़का था, उसके पेरेंट्स ने बोला 10-12 साल का बच्चा, बेटा ये सारा घर तेरा है, ये घर के अंदर एसी चलाना एसी चला, खाना 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 खा, जो ऑर्डर देगा बन जाएगा, घर में सेवकों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, जो तुझे खाना है तू खा लेना, जो करना है वो कर लेना, इतने कमरे है किसी भी कमरे में जाके सो जाना, किसी भी कमरे में सो जाना, चाइनीज खाने का मन हो तो रामू काका से कह देना, रामू काका चाइनीज खिला दीजिए तो रामू काका चाइनीज बना देंगे। मन हो पिज्जा खाने का तो ये बेटा डोमिनो का नंबर है, ये पिज्जा हट का नंबर है, जितना जहां मर्जी खाना पीना हो खा लेना। बोलो यीशु मसीह की। टीवी देखना और टीवी लगा है, बैडमिंटन खेलना हो तो घर में ही कोर्ट है, नहीं तो चले जाना बेटा क्लब चले जाना, अपना ही क्लब है। बोलो यीशु मसीह की। सारी बातें उसको बता दी। उसका एक दोस्त उसके घर में आया, कहता है क्या कर रहा है यार, बोरिंग लाइफ। क्या कहता है यार, ये क्या तू कर रहा है, बोरिंग लाइफ है यार, ए मजा नहीं आ रहा लाइफ का। बोला सब कुछ तो है यार, मेरे डैड ने मुझे सब कुछ दिया है। नहीं यार, एक्साइटिंग होना चाहिए, एक्साइटिंग चाहिए, मेरे को एक्साइटमेंट चाहिए, मेरे को लड़ा मुझे आने चाहिए। क्या करें? अरे वो तेरा डैड के वो बाहर बाहर है ना, घर में बाहर है। नहीं नहीं नहीं, वो डैड ने बोले वो बाहर में नहीं, आग लगाना। अरे यार फ्री हो जाओ यार, फ्रीडम है, बड़े फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, डैडी ने मना किया, बाहर में नहीं आ जा, ये नहीं। अरे यार तू बात तेरा, तुम्हारे पे वो उल्टा सीधा पीछे, हमारे घर में क्या इतना सारा पीछे वो भी लगाएगा, बाहर अपने बैठेंगे। अरे तुम्हारे पास सिगरेट है? अरे क्या कर रहा है? अरे डैड 3 दिन आने वाले नहीं है तेरे, तो क्यों चिंता कर रहा है? फ्रीडम मैन, दिस इज द टाइम ऑफ फ्रीडम, लाइफ ऑफ फ्रीडम, एंजॉय करने का। बाहर डैडी को क्या पता चलेगा, इतनी पी के उसमें पानी मिला लेंगे। अरे डैडी को मेरे को सब मालूम, मेरे डैडी सब जानते हो, एक घूट पी के जान जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है ना, करीब दूसरी बोतल रख देंगे, एक बोतल आप खर्चेंगे, क्या है? बोलो यीशु मसीह के। लो जी डैडी सब कुछ था, लेकिन अभी उसको दारू पीने का, बेटे ने कहा ठीक है
दारू निकाला इतना बड़ा जॉनी वॉकर और पी गए ब्लू लेवल साथ में सिगरेट आप पी लिया अब क्या करें गाड़ी निकालना गाड़ी अरे गाड़ी निकाल के डैडी ने मना किया यार जाना है तो ड्राइवर साहब नहीं यार फ्रीडम यार फ्रीडम व्हाट आर यू टॉकिंग यार नो फ्रीडम इन योर हाउस तो एकदम बोरिंग है दोनों ने निकाली गाड़ी मर्सिडीज भारी 12 साल के बच्चे मर्सिडीज निकाल के सड़क पे निकल गए हाँ बच्चा धीरे धीरे चला रहे धीरे धीरे यार कहीं जरा करोज भी लग गए अरे फ्रीडम नहीं यार तेरे को यार यही मुझे नहीं अच्छा लगता तेरे को फ्रीडम नहीं किसी चीज की लगा ना जोर से जरा हाईवे पे निकलते हैं दोनों ने हाईवे पे गाड़ी चला दी दोनों ने तेज चला दी दारू पी हुई थी ट्रक में जाके मारी एक्सीडेंट हो गया भारी और दोनों ने अपने पांव खो दिए बोलो यीशु मसीह की सब फ्रीडम चाहते हैं बच्चे माँ बाप से फ्रीडम चाहते हैं वाइफ हस्बैंड के अंडर नहीं रहना चाहती हस्बैंड वाइफ के अंडर नहीं रहना चाहता एम्प्लॉय अपने मालिक के अंडर नहीं रहना चाहते देश वाले देश के अधीन रहना नहीं चाहते कोई कानून को अरे निकलना यार क्या है लाइसेंस बनवाना है मैं बनवाता हूँ दो दिन में दो घंटे में जाएंगे लाइसेंस बन जाएगा गाड़ी गाड़ी नहीं गाड़ी चलानी किसको आती है इंडिया में यार इंडिया में किसको गाड़ी चलानी आती है इंडिया में लाइसेंस चाहिए बस लाइसेंस लेके निकल लेगा बोले यीशु मसीह की और पकड़े जाओ तो 100 रुपया 50 रुपया बहुत हो गया फ्रीडम फ्रीडम इंडिया इज फ्री अभी घोरों का राज नहीं है जी नियम से चलो अरे निकल जाओ लाल बत्ती में निकल जाओ लाल बत्ती और लाल लाल बत्ती नहीं वो डिस्को लाइट ठिक चक उसका मतलब है उतर के थोड़ा डांस करके आ गया वो एंटरटेनमेंट लाइट है वो ट्रैफिक लाइट फ्रीडम नहीं यार बोलो फ्रीडम सब बोलो फ्रीडम ये जो फ्रीडम का चक्कर है ये बहुत गड़बड़ चक्कर है कोई भी अगर उसको बोलो चर्च अपने कलीसिया के अधीन हो जाओ तकलीफ है बोलो तकलीफ है सब बोलो तकलीफ है मम्मी डैडी की बात सुनो डांट तो बात सुनता तो बात सुनूंगा डांटना मत डांटना नहीं मुझे डैड मैं एक बच्चे को देख रहा था वो अपने टेबल पे खाना खा रहा है ऐसे खाना खा रहा है और उसकी माँ कह रही ठीक से खा तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ जैसे वो एक दिन बड़ा होकर पता नहीं मां को घूसा मार दे उसको फ्रीडम चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए अगर मां बोले कि खाना खा लो तो भी विद्रोह पास्टर बोले कि खुदा के रास्ते पे चलो तो भी विद्रोह पति पत्नी से बोले कि मेरी बात में हमारे घर में एकता हो तो भी विद्रोह पत्नी बोले मेरे को ही अपना पत्नी मान लो ए इतना पैसा मैंने इसलिए कमाया कि तेरे साथ बोर होने का मुझको अभी मेरे पास इतना पैसा इसलिए नहीं है कि मैं तेरे साथ तू तो है ही हालेलुया आदम और हवा जेनेसिस किताब में हम देखते हैं उत्पत्ति किताब में कि आदम और ईव को खुदा ने बहुत कहा कि जो मर्जी खाओ पियो एंजॉय करो कपड़ों का खर्चा नहीं खाने का खर्चा नहीं कुछ भी एंजॉय करो ये नदी है नदी में जाओ ये फल खाओ ये ऐसा है वो करो खाओ पियो एंजॉय करो लेकिन उनको शैतान ने आके बोला ये भी फ्रीडम ये तू फ्री नहीं है बोलो फ्रीडम Beyond freedom is a slavery in disguise. All of freedom, beyond freedom is a slavery in disguise. जो आजादी हमें मिली है उसके आगे की आजादी वो शैतान की तरफ से जो हमारे घरों में हमको परमेश्वर ने जो हमें घर दिए आराम दिए हमें जीवन दिया हमें राज दिया हमें सारे रूल रेगुलेशन दिए आज क्यों जब लाखों हैं भगवान तो ऐसा
क्यों इतना भ्रष्टाचार है ऐसा? क्योंकि लोगों को और पैसा चाहिए और फ्रीडम चाहिए, कोई किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। सांप ने आके कहा कि ये आजादी नहीं है, आजादी तो वो फल खाने में है, जिस फल को तुम्हें मना किया गया है। उनको क्या पता था कि उस फल खाने में आजादी नहीं, उस फल खाने में मृत्यु है। जिस फल को मना किया गया है यानी पाप मृत्यु पैदा करता है। बाइबल में लिखा है कि पापों की जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है, वो मृत्यु है। बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की, आमीन। मूसा अपने लोगों को बजा बजा के चल रहा है, भैया साइड साइड में चलना, भैया साइड साइड में चलो, भैया चलो ये लाल नदी पार करो, मेरे बच्चे कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, अरे तू पानी में मर जाएगा, इधर आ जा भाई, नदी है ये, देखो प्रभु ने हमारे बीच में रास्ता बनाया है, सारे चले जा रहे हैं, अरे पीछे आ गया रामू काका, आप भी आ गया जल्दी, इधर ए जोसेफ, ए ये, ए वो, सारे साथ साथ चल रहे हैं। उधर वो प्रभु लेके क्या आ गए भैया, सारे आ गए, सारी टीम आ गई, सब बस में बैठ गए, चलो हालेलुया। भैया 80 के 80 लोग बैठ गए बस में, नहीं अभी वो नहीं आया, अरे यार वो किधर रह गया। तो मूसा अंकल सबको लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आगे कहे, उन्होंने कहा कि तुम यही ठहरना भैया, यही ठहरना, जो आज्ञा मैंने दिया उनको मानते रहना, सारे रूल रेगुलेशन में चलना, मैं जरा खुदा से 40 दिन मिल के आता हूं। ऊपर गए, नीचे सब फ्री, बोलो नीचे सब फ्री हो गए, हालेलुया। Beyond God, beyond Jesus, beyond our Lord, there was lust in disguise. There was lust in disguise. निर्गमन की किताब 32 में हमने पूरा दृष्टांत, हमने पूरा वृतांत उसमें पढ़ा कि लोगों को आज चर्च में लस्ट लेके आ गए, चर्च में ग्लैमर लेके आ गए, चर्च के अंदर हमारी पवित्रता के जीवन के अंदर लोगों को लगता है कि कुछ ग्लैमरस हो जाएगा, चर्च में ग्लैमरस होना चाहिए, ग्लैमर ग्लैमर होना चाहिए, हम ग्लैमर से लोगों को जीतेंगे, हम ग्लैमर से लोगों को जीतेंगे। ग्लैमर से लोगों को नहीं जीत सकते, ग्लैमर से आप फ्लैश को जीत सकते हो। आप पवित्र चीजों से पवित्रता का काम नहीं हो सकता है। सब बोलो यीशु मसीह की। देखिए परमेश्वर का वचन हिब्रानी की किताब 11:24-26 में क्या कहता है, सब निकाल लें। Hebrews 11:24-26। इब्रानी किताब 11:24-26 तक सब पढ़ें। हाँ जी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ओ हालेलुया। उसने क्या कहा, मुझे फिरौन के साथ कुछ लेना देना, मुझे मिस्र के साथ कुछ लेना देना, मुझे ग्लैमर के साथ कुछ लेना देना, मुझे दुनिया के चक्करों के साथ कुछ लेना देना नहीं। आगे इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसको पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से, सुन लो सच सच कहता हूं मैं तुमसे कि पाप में थोड़े दिन मजे कर लो, ऊपर जूते जूते कर लो, ऊपर जूते जूते। क्या किया मूसा ने, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ईंटे बनाना उत्तम लगा, मैदान तो बदल लिया, खेल वही है, दुनिया छोड़ दी, लेकिन दुनिया की पॉलिटिक्स यही चल रही है पवित्र जीवन के अंदर। लेकिन मूसा ने यह बेहतर समझा कि मैं वो दुनिया के सारे काम छोड़ के पवित्रता के जीवन में, पवित्र के जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। पवित्रता का जीवन सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्रता का जीवन सस्ता
नहीं है, पवित्रता का जीवन महंगा है। पवित्रता का जीवन जीने के लिए दुख उठाना पड़ता है। इसी तरह से वो बेटा, वो उड़ाऊ बेटा, उसको अपने पिता के घर का माहौल एक ट्रैप की तरह लगता था। उसको लगता था कि मैं किधर फंस गया हूं, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, उसको इरेस्पॉन्सिबल जीवन जीना था। लेकिन खुदा हमें जिम्मेदार बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ये जो कहने जा कही जाने वाली दुनिया में बहुत फ्रीडम की बात है, वीमेन्स फ्रीडम, नाम सुना है किसी ने? वीमेन फ्रीडम, वीमेन्स लिबरेशन, चिल्ड्रंस की लिबरेशन। अभी तो ऐसा रूल बनाने वाले हैं, बच्चों को डांट भी नहीं सकते। अगर आपने बच्चों को डांटा तो आपको जेल में डाल देंगे। लो भाई, पापा बेचारे वेट कर रहे हैं बेटे को मारना है। अमेरिका के अंदर ऐसा होता है, आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। वो कहते चल बेटा इंडिया चलते हैं घूमने, इंडिया आते ही एयरपोर्ट पे मारना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट पे उतरते थप्पड़ पे, पापा व्हाट हैपेंड डैड, व्हाट हैपेंड डैड, तेरे को मार नहीं सकता था मैं, किरण लाके मार रहा हूं तेरे को। अभी इंडिया से भी हमें अपने बच्चों को डांटने के लिए बांग्लादेश जाना पड़ेगा। चलो बेटा बांग्लादेश चलते हैं। क्यों डैड? बेटा बांग्लादेश में मिशन ट्रिप पे चलते हैं, मिशन ट्रिप करेंगे, वहां उतर तक मारना शुरू। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। जो शैतान की फ्रीडम है वो हमारे लिए बॉन्डेज और मृत्यु लेके आती है। बोलो शैतान की तरफ से जो फ्रीडम है वो हमारे जीवन में मृत्यु लेके आती है। सच्ची आजादी परमेश्वर के अधीन होने में है, और उसका तरीका हमें यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह ने शैतान की ऐसी डांट लगाई, शैतान देने आया था उसको आजादी, तू मुझे सलाम कर, मैं तेरे को, तू क्या गरीब सा आदमी है ना बेटा, बोल यार बिना कपड़े के, बिना खाने के, बिना रोटी के, तेरे क्या तेरे यार एक क्रिश्चियन होकर तेरी क्या लाइफ हो गई यार, क्या मजबूरी में जी रहे हो तुम लोग, क्या लाइफ है तुम्हारी, बिल्कुल ले, मैं तेरे को दुनिया का सारा सुख देता हूं, मेरे साथ चल, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तेरे को दुनिया का राजा बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा हट जा मेरे सामने से, मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को सलाम नहीं करूंगा। ताली देंगे जोर से, कमाल प्रभु के लिए कमाल। जो प्रभु का दास है वो किसी और का दास नहीं है। सब बोले जो प्रभु का दास है वो किसी और का दास नहीं है। मुझे कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता है, बोलो मुझे कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता है। जीसस डिपेंड करते हैं आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे उन पत्थरों को जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। हालेलुया। और हम पत्थरों से वो जिंदा आवाज निकालेंगे, और जब हम कहेंगे मसीह में आओ, जिनको पवित्रता चाहिए वो पवित्रता लेने आएंगे, जिनको पवित्रता नहीं चाहिए वो अपने चांदी के बर्तनों में पवित्रता के नाम पर पवित्रता खाते रहेंगे और खुदा की सच्चाई से दूर रहेंगे। पवित्र बनना हमारी बुलाहट है, पवित्र बनना सच्ची आजादी है। आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो, और प्रभु क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम आजाद रहें। प्रभु चाहता है कि हम आजाद हों, पाप करने के लिए नहीं बल्कि पाप से आजाद हों। बाइबल कहती है कि जिसको बेटा आजाद करता है वो वाकई में आजाद है। बिल्कुल, जिसको बेटा यानी यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा हमारे लिए इस धरती पे आया, वो हमें आजाद करने आया। इसीलिए तो उसे मसीहा कहते हैं, इसीलिए तो उसे उद्धार करता कहते हैं, इसीलिए तो उसे मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति यानी आजादी। लेकिन कैसी आजादी? व्यभिचार करने के लिए नहीं। कैसी आजादी? शराब पीने के लिए नहीं। कैसी आजादी? झगड़ा करने के लिए नहीं। हमारा देश आजाद हुआ है, इसलिए आजाद हुआ है ताकि हमारे देश में बरकत हो, आशीष हो। और वो कब होगी? जब हम देश के नियमों का पालन करेंगे, जब हम देश के अधीन होकर चलेंगे, देश से प्रेम करेंगे। और हमारी सच्ची आजादी आपको मालूम है कहाँ है? प्रभु से प्रेम करने में। और रीना जानती हैं कि अगर पत्नी पति के अधीन होती है और पति पत्नी के अधीन होता है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो सच्ची आजादी कहां पर है? घर में। आमीन। वाकई में
जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं आजादी के सही माने नहीं जानती थी। मैं सोचती थी आजादी का मतलब है अपने मर्जी से कुछ भी करना, लेकिन सच्ची आजादी तब होती है जब हम एक दूसरे के अधीन होकर बहुत खुशी से एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं होती। और बिल्कुल ऐसी आजादी प्रभु हमें देना चाहता है, आपको भी देना चाहता है। आपके घरों में दुख प्रभु को अच्छा नहीं लगता, आपके जीवन में रोग प्रभु को अच्छा नहीं लगता। कितने लोग रोग से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं। आप अपने घर में अपना हाथ उठा के बोले हाँ मैं आजाद होना चाहता हूँ। बिल्कुल बाइबल कहती है कि विश्वास दिल में किया जाता है और उसका इजहार इकरार अपने मुंह से किया जाता है। और हम आज इजहार अपने मुंह से करेंगे कि हम चंगे हो गए, हम आजाद हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सारे बोझ दे देंगे। हम अब यीशु मसीह को आज अपनी सारी बीमारी देंगे। यीशु ने कहा कि जितने बीमार हो मेरे पास आओ, जितने बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय हम सारे घरों के लिए, सारे परिवारों के लिए, जो बंधनों में है, जो पिंजरों में है, जो जेल्स में है और जो अपने जीवन के अंदर मुसीबतों के अंदर कैद है। यीशु आया है उनको आजाद करने, यीशु आए हैं उनको चंगाई देने। यीशु ने क्रूस के ऊपर सारे बोझ ले लिए, यीशु ने सारे बंधन तोड़ दिए। प्रभु इसी समय प्रभु यीशु के नाम से मैं इन घरों में आजादी डिक्लेयर करता हूँ, इन जीवनों में मैं आजादी डिक्लेयर करता हूँ, बीमारियों से मैं आजादी डिक्लेयर करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूँ आपके जीवन के सारे बंधन टूट गए। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि बीमारियां निकल गई हैं आपके किवाड़ों से, आपके घर के दरवाजों से हर अंधकार की शक्ति टूट गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि आपके जीवन पर अगर कोई श्राप है तो यीशु ने उसको तोड़ दिया है। आप उस श्राप से भी आजाद हैं, आप हर लानत से आजाद हैं, आप हर बुरी नजर के उस अटैक से आजाद हैं। आपको खुदा ने आजाद कर दिया, आपको प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है। आप प्रभु यीशु के नाम से आज आजाद हैं। मेरे साथ बोलें मैं आजाद हूं। प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं इन जीवनों में, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके शरीरों में आजादी घोषित करता हूं। प्रभु यीशु आपके नाम से बंधन टूट गए, रोग टूट गए हैं, कर्जे टूट गए हैं, यीशु मसीह के नाम से रिश्ते जुड़ गए हैं। और हे परमेश्वर ये टूटे हुए घर फिर से आबाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, क्योंकि इनको यीशु ने आजाद कर दिया है। यीशु के मुबारक नाम से मानता हूं, आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि जैसे वचन कहता है कि चलते हैं जो खुदावंद की रूह से पिता के वो बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो आज अगर आपने इस आजादी की प्रार्थना में आप शामिल हुए हैं तो आप ये जानिए कि परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया है, अपने पास बुला लिया है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और सबसे सरल तरीका आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, आप ये नंबर्स देख रहे हैं, आप हमें फोन करें, आप हमसे बात करें। हमारी टीम इसी समय तैयार बैठी है आपके फोन्स लेने के लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें ईमेल लिखते हैं, अगर आपकी कोई विशेष ऐसी ईमेल्स हैं जो आप रीना जी को लिखना चाहते हैं आप उनको लिख सकते हैं, मुझे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आप टीनेजर हैं और आप अपनी अपनी कोई मजबूरी या अपनी कोई ऐसी बात श्रेया के साथ बांटना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि और आप साथ में लिखें कि ये मेल श्रेया के लिए है, टू श्रेया @anilkant@anilkant.org। आप ये मेल आप जिसके भी नाम से लिखेंगे मेल उन तक पहुंचेगी और वो आपकी उस मेल का उत्तर देंगे। और अगर आपका मन प्रेरित होता है कि आप इन प्रोग्राम्स को जो आज आप देख रहे हैं सुन रहे हैं आप इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर आप इसके पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप हमें लिखें और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं। आपको हमने बताया कि हम ये बाइबल्स जो हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। अगर किसी को बाइबल की आवश्यकता है तो आप हमें फोन करें, क्योंकि ये आजादी की किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आजादी की, ये संविधान है आजादी का, आत्मिक आजादी का ये संविधान है, जैसे हमारे देश का एक संविधान है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक आजाद मनुष्य का जन्म होगा, वो जो आत्मिक रूप से आजाद है। तो आपको ये हम बाइबल्स भेजना चाहते हैं। अगर कोई इन बाइबल्स को स्पॉन्सर करना चाहता है किसी को देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल्स चाहते हैं, अगर आप ये बाइबल या एक बाइबल किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए 300 रुपए का खर्चा आता है, जिसकी जिसमें बाइबल और उसको भेजने के जो एक्सपेंसेस हैं। अगर आप एक बाइबल भेजना चाहते हैं तो 300, और उसी हिसाब से अगर आप 10 भेजना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं तो 3000, 5 करना चाहते हैं तो 1500, आप ये हमको भेज सकते हैं। तो आपके ही नाम से आपका नाम डालकर वो बाइबल्स हम आपके नाम से पीछे आपके नाम को लिख कर बल्कि हम देंगे कि ये बाइबल आपको इस भाई ने पहुँचाई है, ताकि आपके नाम की वो बाइबल किसी के पास पहुंचेगी और वो जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने बाइबल दी थी, आज तक वो बाइबल मेरे पास है। और आपकी दी हुई बाइबल हम किसी को पहुंचाएंगे तो वो हमेशा उनके पास रहेगी
उनको याद रहेगा कि किसी ने उनको वचन दिया था। तो आप ये अगर करना चाहते हैं तो आप उनको बताएं कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ बाइबल, ये हमारा प्रोग्राम है, आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ बाइबल टू समवन। तो गिफ्ट अ बाइबल प्रोग्राम जो है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, आप किसी को एक बाइबल गिफ्ट कर सकते हैं और ये सबसे बेहतर गिफ्ट होगी। तो मिलते हैं।